जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज। उसमें लिखा ना योगसार में कि अरे तुम इन मंदिरों में भगवान खोजते हो, इन मूर्तियों में भगवान खोजते हो, वहां कोई भगवान है क्या? वे तो जड़ प्रतिमाएं हैं। असली चैतन्य देव तो इस देह देवालय में मेरा, असली जनालय तो ये देह है, इसके अंदर असली भगवान रहता है, इस मंदिर में तो नकली भगवान रहता है। अभी ऐसी चर्चा लिखी है अध्यात्म शास्त्रों में है। देखो क्यों कि भाई ऐसा इसलिए लिखा कि जो जीव बाहर के जिन बिंबों में इनकी भक्ति में ही मग्न है, खड़े हैं घंटों भगवान के सामने और बस गाए जा रहे हैं, कोई विचार नहीं, पढ़े जा रहे हैं, भगवान को साफ करने ही में लगे हुए हैं, उनके ही उसमें लगे हुए हैं, तो भैया उनको समझाया अरे तो जड़ है, इसको घिसने से क्या होगा भाई, अंदर के राग देश मिटा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे जीव को तो वो उसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान का प्रक्षाल नहीं करना, लेकिन वो मग्न है उसके निषेध में। उनको इसको आत्मश्रद्धा नादि कराने को देह में देव है मंदिर में नहीं इत्यादि उपदेश देते हैं। वहां ऐसा नहीं जान लेना कि भक्ति छोड़कर भोजन आदि से अपने को सुखी करना क्यों है, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन ऐसा नहीं है। अब भैया बहुत ईमानदारी की बात है अरुण जी, समझ में आया? अध्यात्म शास्त्रों को सुन सुनकर भोक्तावादी बन जाना और देव सात गुरु की बराधना करने लगना, ये उपदेश का प्रयोजन नहीं है। ऐसा अगर हम प्रयोजन कर रहे हैं या ऐसा अर्थ निकाल कर ऐसी प्रवृत्ति करते हैं तो आप अपराधी हैं, आप जिनागम का रहस्य नहीं समझे, आप वस्तु स्वरूप का सच्चा उपदेश नहीं समझे, आपके अंदर बिल्कुल भी। भाई वो तो बात तो ठीक है कि पूजा पाठ भक्ति में धर्म नहीं होता, लेकिन पूजा पाठ भक्ति का राग ही आना बंद हो जाए और भूमिका तुम्हारी वोई की वोई है, खिसाब आपको कैसे पता भाई भूमिका की वोई की वोई है? कह रहे तुझे व्यापार करने का राग, पार्टी करने का राग, शादी समारोह में जाने का राग, खूब बढ़िया बन ठन के रहने का राग है, सजने संवरने का राग, स्त्री का राग, पुत्र का राग, सब तो राग पड़ा हुआ है। तूने ऐसा कैसा अध्यात्म समझा कि देव सतगुरु का ही राग छूट गया बस है? जबकि असलियत तो ये है कि उनका राग छूटना चाहिए, उनमें राग बुद्धि टूटनी चाहिए, उनमें तो टूटी नहीं है, और बस देव सतगुरु में स्वाध्याय में टूट गए। कई लोग स्वाध्याय में नहीं आते, अब अपने लोग भी हैं स्वाध्याय में नहीं आते, घरों में बैठे हुए हैं और अभी नहाया ही नहीं हो कहीं ने तो, समझ में आया कि नहीं आया है? घरों में बैठे और कह रहे भरा हमें तो बहुत ठंड लग रही। बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले मंदिर है साहब क्या होता है, मंदिर 11 बजे जाओ 12 बजे जाओ, सब झड़की क्रियाएं हैं, और नहीं भी जाओ क्या, मंदिर में तो भगवान तो अंदर है। ऐसे भी अपने मोक्ष हुए कई, समझ में आया कि नहीं भाई? कहाँ से पढ़ा, किसने सिखाया? कांजी स्वामी ने। हद हो गई, पाप करे तू उल्टा समझे, तू बदनाम करे कांजी स्वामी। ऐसे होते कि नहीं, चेले चपाटे गुरु को मुफ्त में ही बदनाम कर देते, जबकि गुरु महाराज कितना बढ़िया, किस अपेक्षा क्या समझा रहे वो भी समझा रहे। गुरुदेव ने कभी भी ऐसा नहीं किया जैसा तुमने समझा, अरे गुरुदेव तो इतना गजब समझाते थे आप। गुरुदेव देखो, दुनिया तो कहती है कि दया दान पूजा भक्ति करो, और पूज्य गुरुदेव श्री उनसे 2 कदम आगे हैं करने वालों से। करने वाले में तो ऐसा लगता है कि हम करें और नहीं करें, करने के उपदेश में क्या लगता है कि हम करें कि नहीं करें? तुमने कहा ना करो, मतलब हम करें और नहीं करें इसके लिए स्वतंत्र हैं। गुरुदेव ने तो वो स्वतंत्रता भी नहीं दी, गुरुदेव ने कहा तू होता कौन है करने वाला, हुए बिना रहेंगे नहीं। अः देखो तुम इस बात में ज्यादा दम है कि करने वाली बात में ज्यादा दम है? बोलो कि जा हुए बिना नहीं रहेंगे, माने उनने ऐसी चाबी लगाई कि अगर तुझे नहीं होते तो तू डिफेक्ट है कहीं। क्या जैसा नहीं समझ में आ रहा?
है गुरुदेव को बदनाम करता मूर्ख। अरे उनने तो ऐसा कहा कि अनिवार्य रूप से होते ही हैं, तुम ऐसा नहीं कह सकते कि साहब हमें नहीं होते ना, तो फिर तुम्हें कहीं ना कहीं गलती हो रही है, डिफेक्ट है मामला है। क्यों? जैसे कल मैं डॉक्टर साहब का वचन सुन रहा था तो उनने कहा कुंद कुंद देव का उदाहरण दे रहे थे कि पूजन सार में कुंद कुंद देव ने कहा कि इस भगवान का समूसरण वैसे ही विहार करता है सहजता से जैसे स्त्रियों में सहज मायाचार होता है, तो बहुत ऑब्जेक्शन हो गया, समझ में आया? ये ऑब्जेक्शन कब हुआ? अभी कुछ समय में, वो अपने 2011 का वचन है तो उस समय का बता रहे, बोले अभी अभी कुछ मनीषियों को कुछ विद्वानों को बड़ी आपत्ति हो गई कि ये बात मेरे को ठीक नहीं है, उनमें प्रिंट हो गई है, फलाना हो गई है, वहाँ कुछ और लिख रहे थे, वो कुछ और शब्द छप गया है, सब दुनिया भर के वो लगे। अब डॉक्टर साहब समझा रहे थे कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इसमें काय का मिसप्रिंट सही तो लिखा है, इसमें क्या गलत लिखा है? कि नहीं साहब तो स्त्रियों की बदनामी है, तो क्या कुंद कुंद को स्त्रियों से कोई बोध था क्या? अरे वो तो उदाहरण देके समझाया कि स्त्रियों में सहज मायाचार माने उनको मायाचारी करने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, उनके इतनी सहज होती है वो, हमें तुम्हें मायाचार करना हो तो हमें सोचना पड़ता है कि अपन क्या बोलेंगे, क्या बहाना बनाएंगे, क्या करेंगे, हैं? नहीं समझ में आया? एक आध कहानी याद आ गई सहज मायाचार की, स्त्रियों का त्रिया चरित्र पढ़ी होगी तुम लोगों ने। एक पंडित जी थे, सुबह एक गांव में गए तो अब भूख लगी थी उनको, तो उन्हें कुएं पे गए तो पानी पीने के लिए बोले कि महिला से कि बहन पानी पिला दो, तो उनने देखा तो पानी पिला दिया। उनने कहा महाराज तुम्हें लगता है भूख भूख भी लगी, भोजन नहीं मिला? कह रहे हाँ भोजन भूख तो लगी है। बोले हमारे घर चलो हम तुम्हें भोजन करा देंगे। तो उनने कहा कि तुम्हारे घर पे कौन कौन है? बोले तुम तो चलो कोई बात नहीं तुम भोजन कर लो, तो घर चले गए। अब उनने तो ज़्यादा सोचा समझा नहीं तो भोजन करने लगे। अब भोजन करने लगे इतने में उसका पति आ गया, समझ में? अब पति बहुत अक्खड़ मैंने इतना तेज कि अगर ऐसा किसी पुरुष को देख ले तो मार डाले वो उसके घर में। और उसकी पत्नी ने कहा जी किस घड़ी में आ गया महाराज? फिर लगी मतलब मैं कौन सा कोई पाप कर रहा हूँ? बोले पाप बाप नहीं, ये बर्दाश्त ही नहीं करेगा। सोरे तो मरवा दिया तूने मुफ्त में, समझ में आ गया? तो बोले अब एक काम करो डरो मत, वो तो बात हो गया है, तुम एक संदूक में छुप जाओ, ठीक है? नहीं तो संदूक में छुपा दिया उसने, और संदूक इतना बड़ा सामने बिल्कुल घर में। तो आया तो बोले इतना देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में, समझ में आया कि नहीं आया? तो उसकी पत्नी कहती कोई आया था उसको छुपा रही थी, तो वो पंडित जी तो और सकमक आ गए कि अब तो मरवा दिया इसने, इसने तो मेरे मरने का इंतजाम कर रखा है, समझ में आया कि नहीं आया? है तो वो कह रहे बकवास बंद कर, करी बंद कर, नहीं वो तो संदूक में देख ले, वो तो मर ही गया वो तो कह गया काम से, समझ में आया कि नहीं आया? उसने बोल दिया कि तुझे विश्वास नहीं तो संदूक में देख ले उसमें छुपा रखा है। मैंने कहा तू भी किसी मजाक वाली बातें करता है, चल ठीक है रोटी दे, रोटी खा के चला गया तो वो पंडित ने तो अपने बाल नोच लिए कह रही ये क्या है? तो वो जब बाहर आया संदूक से तो बोली बहन तूने तो मरवा दिया तू कैसी है? बोले पंडित जी तुम स्त्रियों के त्रिया चरित्र नहीं जानते माने उनका इतना सहज मायाचार होता है कि आपन नहीं समझ सकते। इसलिए बड़े बड़े दार्शनिकों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सकों ने लिखा कि स्त्री को समझना बहुत कठिन है, वो कब क्या समझेगी कब क्या करेगी बहुत मुश्किल पड़ता है। तो वो अब वो तो उन्होंने लिख दिया कुंद कुंद देव ने कि भाई सहज मायाचार होता है, तो वहाँ स्त्रियों की निंदा नहीं है, वो उनके एक स्वभाव, जैसे पुरुषों में सहज अहंकार होता है, मैं पुरुषों का कह सकता हूँ, अपन सहज मानी होते हैं अपन लोग, और उसकी जो है मान कसाय बहुत प्रधान होती है। तो स्त्री इस बात को अच्छे से जानती है कि तुम मानी हो, इसलिए वो झुकती है तुम्हारे चरणों में, लेकिन वो झुकती नहीं है वास्तव में, वो बैठती तो तुम्हारे सिर पे ही है झुकने की तो एक्टिंग करती है वो, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं ये कोई हंसने की बात नहीं है, ये कोई मैं जोक नहीं सुना रहा हूँ, वो लिखती तो है कि मैं तुम्हारे चरणों की दासी, असली में दास तो तुम होते हो,
वो दासी वासी नहीं होती, वो तो उसका स्टाइल है कि बेटा तू चने के पेड़ पर चढ़ा रहे और मेरी गुलामी करता रहे, समझ में आया। तो पुरुषों में सहज मान कसाय की मुख्यता होती है और स्त्रियों में सहज मायाचार होता है, लेकिन वो कोई निंदा और प्रशंसा के लिए नहीं है वो बात। तो वहाँ कुंद देव ने कि सहज मायाचार होता है, वो केवली का जैसे विहार होता है, तो वो कोई उस अर्थ में नहीं लेना। लेकिन अब लोगों को तो लड़ने झगड़ने की बात है, तो भैया तुम कुछ भी कहो, हम तो कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने उस अर्थ में तो लिखा नहीं। तो ऐसे ही आप गुरुदेव के बारे में कुछ भी बोलो, आप गुरुदेव को समझते नहीं हो। गुरुदेव ने कोई क्रिया कांड का निषेध नहीं किया है, गुरुदेव ने तो उसमें धर्म नहीं है, उनसे धर्म नहीं हो सकता, वे बंद के कारण है। सो ऐसा पूरे जिनागम में जगह जगह लिखा है, सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है, जिनेन्द्र देव ने यही बताया है कि आश्रो। और ये कोई ऐसी बात ही नहीं है कि कोई सिद्धांत के, अरे यही असली सिद्धांत है कि पुण्य और पाप दोनों ही बंद के कारण है। जो लोहे बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, प्रवचन सार में पूरा साफ साफ लिखा है सब। तो भैया समय सार में पूरा अधिकार ही लिखा, उसका निषेध श्रद्धा के लेवल पर करते हैं, क्रिया के लेवल पर, परिणाम के लेवल पर निषेध किया नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया सकता? क्योंकि वो भूमिका के अनुसार आए बिना रहता ही नहीं। माने गुरुदेव जैसा वक्ता होगा, लोग कहते गुरुदेव ने पूजा पाठ भक्ति के, मैं तो कह रहा उनसे बढ़िया किसी ने व्याख्या नहीं करी आज तक। उनने तो एक कंपलसरी कह दिया कि सम्यक दृष्टि होगा तो उसे देव शास्त्र गुरु की भक्ति का राग आए बिना, और तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम गुरुदेव के असली भक्त नहीं हो। तुम चेक करो कहीं गलत पकड़ लिया है तुमने, पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं। इसलिए कभी मत सोचना कि गुरुदेव ने निषेध किया। गुरुदेव ने जितना बढ़िया स्वभाव की स्थापना करी इस दुनिया में, आज तक उनसे बढ़िया स्वभाव की स्थापना किसी ने नहीं करी, क्योंकि उनने तो ममता जैसा घटित कर दिया कि माँ की ममता करनी वरनी नहीं पड़ती, अगर करनी पड़े तो वो सौतेली माँ होगी, असली तो हो ही नहीं सकती। कि क्यों? कि असली माँ की ममता 24 घंटे अपने आप उत्पन्न होती है, उसमें उसे कुछ भी नहीं कर, वो कहे कि आज से नहीं करूंगी तो दम हो तो नहीं करना है। हमारी धर्मपत्नी है, कई दफे लड़ाई झगड़ा होता है, तो आज से हम बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे। तुम ज्यादा बोलते हो ना कि तुम धर लेना, तुम हाँ तो ठीक है नहीं रखना। मैं कभी नहीं कहता कि ऐसा मत बोलो, मैं कहता बिल्कुल मत रखना, समझ में, बिल्कुल मत पढ़ाना, बिल्कुल टेंशन फ्री। कि तुम पढ़ाओगे वो छोड़ो ना, तुम्हें नहीं पढ़ाना ना, तुम छोड़ दो और कोई ध्यान मत रखना, ना भोजन का, ना किसी का, ना कुछ। और मैं बढ़िया अपने कपड़े पहन के चला जाता हूँ फैक्ट्री, मुझे बच्चों की कोई चिंता नहीं होती। कि क्यों? कि तुम्हारी पत्नी ने बोल दिया, कि बोलने से होता क्या है तुझे तो ध्यान रखने का राग आए बिना रहेगा ही नहीं। और इतनी इतनी ज्यादा मात्रा में आता है कि माँ एक ऐसा तत्व है कि उसे अपने पति पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं है बच्चों के मामले में, कि तुमने ध्यान रख लिया होगा। यहाँ तक कि पति कह भी देना कि मैंने बराबर भोजन करा दिया तो वो मानती नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं पता, तुम बताओ बात करो, तो तू मुझे क्या धमकाएगी कि मैं नहीं करूँगी, तो होती कौन है करने वाली, वो तो उस भूमिका में तुझे राग आएगा, तो डरना नहीं। ऐसे कोई कहे कि हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, तो तू अगर सौतेला भक्त होगा देवशास्त्र गुरु का तो भैया तू छोड़ देगा, और अगर असली होगा और हम कितने ही कहेंगे तो भी तुझे आए बिना राग रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कितना बढ़िया खुलासा आ गया, समझ में आया। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने कोई दयादान पूजा भक्ति का निषेध नहीं किया, उनमें धर्म बुद्धि का निषेध किया है, समझ में आया।